ग्राम रक्सेरा से लेकर ग्राम पलदूना तक सड़क मार्ग की हालत बेहाल, जगह जगह गड्ढे, बारिश में भरा रहता है पानी। ग्रामीणों की नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री, सड़क के जिम्मेदार अधिकारी। ग्राम रक्सेरा से लेकर ग्राम पलदूना तक प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत बनाया गया है, लेकिन हालात इतना खराब है कि दो पहिया वाहन का चल पाना भी मुश्किल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, साथ ही सड़क पूरी कीचड़ से सनी हुई है, जिसके कारण ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ पे जो रोड है पूरे गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। अभी बारिश में पूरा पानी भरा हुआ है और आने जाने में बहुत दिक्कत है। और बीच गांव में से ये होके न जा रहा है, ये नई आबादी में अपन खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई निकलने वाला गिरता रहता है, सब पूरा कीचड़ हो रहा है। आपने इस संबंध में किसी को अवगत कराया? अधिकारियों वगैरह जो बोलते हैं बोला है उनको, पर वो कोई परवाह नहीं करता है इसके। उटवा से लगाकर मसवाड़िया, मसवाड़े से लखेसरा और पलदूना प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसमें कितनी बार अधिकारी को शिकायत करी है लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं करता है सर। आए दिन हादसे होते रहते हैं, वो गड्ढे हैं, पानी भरा है, आमजनों को बहुत परेशानी है। आपने इस संबंध में कहाँ कहाँ शिकायत की है? 181 पे की है सर, कोर्ट कचेरी में भी लगाया है आवेदन तहसीलदार महोदय को, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रोड में 2018 में नया कार्य स्वीकृत हुआ है, उसके अंतर्गत अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या आ रही है, पूरा रोड उखड़ चुका है, वो कार्य स्वीकृत पड़ा है, कोई ठेकेदार काम कार्य चालू करने के तैयार भी नहीं है। बड़े बड़े खड्डे आए दिन घटना होती रहती है यहाँ पर, गांव में पानी घुसा हुआ है। इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में से अवगत कराया, मैं खुद ने फोन लगा कर उनको बोला भी सरी, हमने जो साहब को अवगत करवाया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को अवगत कराया किसी को? हमने क्षेत्र के प्रतिनिधि को अवगत कराया, विधायक जी को भी अवगत करवाया। क्या हुआ फिर? उन्होंने बोला कि हम, मैं फ़ोन लगा के बोलता हूँ अधिकारी लोग को, वो आएंगे और देखेंगे। वो आए थे अभी, एक डंपर मुरम लेके आए थे और एक एक दो दो तगारी डाल के चले गए। समस्या दूर हुई उससे? हमारी समस्या अभी दूर नहीं हुई, दो पुलिया भी डैमेज हो चुकी है और एक गति अवरोधक बंद पड़ा हुआ है। आपका नाम और पद? मैं सरपंच पति प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत पलदूना। क्या नाम है भाई साहब? इसमें इस गांव से मतलब करीबन ये इधर इंदौर मार्ग जुड़ा हुआ है और इधर बदनावर और बड़नगर वाला मार्ग जुड़ा हुआ, इधर करीबन 10 गांव के लोग निकलते हैं यहां से, और 2023 तक इसकी वैधता है, परंतु हम कितनी बार अवगत करवा चुके, आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। और यहाँ से पैदल निकलना और गाड़ी फिसलती, आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, जिससे सभी ग्रामीणों को बहुत समस्या हो रही है। ईश्वर, आपने किसी को अवगत कराया? जी, हमने कोहली जी है उनको भी बताया गया, अवगत करा। उन्होंने हमेशा बोला कि हमें फ़ोटो सेंड करें, हमने फ़ोटो सेंड किया, उसके बाद भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। क्या नाम है आपका? मैं रजत चौधरी, ग्राम लखेसरा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।